Good evening to all my dear students. I welcome you all on my channel that is Shine in Law with Dr. Mithun. आज हम डिस्कस करेंगे और एक नया कंसेप्ट अंडर द जुडिशियल प्रोसेस एंड दैट इज जुडिशियल रिव्यू. जब हम मानते हैं कि जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है टू प्रोटेक्ट द राइट्स लिबर्टीज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, सो जुडिशरी को ये पावर कहाँ से मिली है? तो हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही जुडिशरी को पावर मिलती है टू प्रोटेक्ट द राइट्स फंडामेंटल राइट्स लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. तो इस पावर को हम कैसे एनालाइज करते हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे अंडर द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू इज नथिंग बट द पावर ऑफ कोर्ट टू डिटरमाइन द लीगैलिटी वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ एनी स्टैट्यूट और इवन ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज एक्चुअली द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. व्हेन वी अंडरस्टैंड द वेरी कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट जुडिशरी इज नथिंग बट the organ which is derived from the constitution, and so constitution is the supreme law under which we understand that constitution in its provision expressly recognize this extraordinary power in the hands of judiciary so that judiciary can determine the legality and validity of any law or any action whatever taken by the government. And so it is one kind of a check, it is a one kind of a limitation on the arbitrary statute or arbitrary laws or arbitrary actions of the government. We need to understand judicial review in that way. So there are two primary functions of judicial review. Ek hai governmental actions ko legitimize karna, legalize karna. ऑफकोर्स जुडिशरी अपनी पावर को एक्सरसाइज करके गवर्नमेंट के एक्शंस को इनएक्शंस को डिटरमाइन करता है और इसके लिए अंडर द जुडिशियल रिव्यू वी कैन अंडरस्टैंड कि जुडिशियल रिव्यू से हम गवर्नमेंट के एक्शंस को लेजिटिमाइज करते हैं ऑथराइज करते हैं एंड एट द सेम टाइम जो भी एनक्रोचमेंट होता है जो गवर्नमेंट के स्टैट्यूट से लॉज से रूल्स से होता है जो मे बी अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन है अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन है एंड समटाइम इट मे अफेक्ट द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऐसे जो इनिशिएटिव्स पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाता है उससे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना ये भी बेसिक फंक्शन जो है वो हम जुडिशियल रिव्यू में देख सकते हैं. Now, Marbury versus Madison, which was decided in 1803, the case law in which the concept of judicial review was recognized. And through that, we understand that the court has power of review. Court considered as a guardian of fundamental right. Court considered as an arbiter of constitutional conflicts between the federal states or between the union and the states. Now हमारे constitution में express manner में कौन से provisions हैं जो judicial review को authorize करते हैं. Article 13 है, Article 32 है, Article 226 है, Article 131 से लेकर Article 136 तक है, then 143 that is also one of the very important article in terms of judicial review. Then when we see the center state relations, in that article 246 hai, article 251 hai, article 254 hai, jo rule of repugnancy or rule of inconsistency, ye sare jo provisions hai ye kahin na kahin authorize karte hai court ko to determine ultimately the very arbitrariness in governmental policies, the very excessive lawmaking
अथॉरिटीज वॉट एवर एग्जरसाइज बाय द गवर्नमेंट, और इसके बेसिस पे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को ये पावर दिया है सो दैट जुडिशरी कैन इफेक्टिवली डिटरमाइन द लीगैलिटी वैलिडिटी ऑफ सच पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन लॉज स्टैट्यूट और इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. नाउ द जर्नी ऑफ कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द फॉर्म ऑफ केस लॉ इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड देन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम 1951 इटसेल्फ व्हेन देयर वाज अ फर्स्ट अमेंडमेंट टेकन प्लेस एट दैट टाइम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट केस लॉ वॉज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इन दैट द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ violation of right to property. Now Supreme Court in this case actually rejected the contention on the ground of violation of fundamental rights, and Supreme Court held that under Article 368 Parliament do have power to amend the constitution, and there is no such exception or there is no such limitation on this power of Parliament so far concerning with Article 13 Clause 2 of the Constitution. So it is a clear-cut victory of Parliament in terms of the amendment or the laws through Article 368, whatever made by the Parliament. इसके बाद आता है 1964 में सज्जन सिंह का केस. सज्जन सिंह के केस में भी 17th amendment चैलेंज किया जाता है on the ground of violation of Article 31A of the Constitution. As a matter of fundamental right again, and Supreme Court in this case also held that Parliament has power to amend the provisions of the Constitution. Now, ये जो दोनों cases हैं, they are nothing but the clear setback on the power of court when we understand the concept of judicial review. और then एक तीसरा case जब सामने आता है कि जिसमें गोलकनाथ versus State of Punjab ये केस को हम रीड करते हैं जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट फोर्थ अमेंडमेंट एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये तीनों अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है एंड जिसमें सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी से ये डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की अथॉरिटी नहीं है एंड सो फंडामेंटल राइट्स दे आर अ वेरी इसेंशियल राइट्स वैल्यूएबल राइट्स एंड दे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द पार्लियामेंट. And so first time Supreme Court recognized the very notion of the concept of fundamental right in the Golaknath versus State of Punjab. And so when we are understanding this particular judgment, in this judgment in a very express clear manner Supreme Court accepted that so far Article 368 is concerned, Parliament has no power to take away or abridges the fundamental rights by making amendment in the Constitution or in regards with the provisions of Part 3 of the Constitution. And so, in this judgment, court laid down that Article 368 is not providing the power to amend the constitution, it only deals with the procedure of amendment. Power we can found or we can find in Article 248 of the constitution, and that is the residuary power of the parliament. So that was the very dynamic judgment what we understood in the Golaknath's case in the judicial history of India. और इसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है और सबसे लार्जेस्ट बेंच इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में ये केस को डिसाइड करता है जिसमें 14th 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनको चैलेंज किया जाता है एंड इन अ वेरी यूनिक मैनर सुप्रीम कोर्ट जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट वहाँ पे देने का काम करता है एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इनोवेशन यू कैन से
innovation of a Supreme Court of India, which is another check, which is another limitation on whatever arbitrary policies, whatever arbitrary enactments Parliament they want to enforce within the territory of India. So there was a, in the form of basic structure, that limitation, that touchstone, which actually evolved by the Supreme Court in Keshavananda Bharti versus State of Kerala. And so that was a very dynamic and very landmark judgment in the judicial history of India that was given, that was delivered by the Supreme Court. Now, जब हम judicial review को with these case laws understand तो करते ही हैं, लेकिन जब हम law को determine करते हैं, because actually law को verify करना, assess करना, determine करना, ये काम court करता है, तो in this particular assessment, in this particular determination, what court is expecting that whatever statute, whatever laws are there, if they are challenged, then what needs to be verified in that law, whether that law is in conformity with the constitution, whether they are in consistent with the constitution, whether that law or that rules, regulation they made within the legislative competence of that particular authority, whether the court could balance that what is the very need of the society and what fundamental principles laid down in the constitution. So whether both can be balanced, that also court need to see when they are determining that particular legislation or statutes or laws. जहाँ तक scope of judicial review की बात हम करते हैं, तो judicial review legislative action का हो सकता है, judicial review administrative action का हो सकता है, judicial review judicial decisions का भी हो सकता है. तो ये तीनों मैनर में हम जुडिशियल रिव्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ग्राउंड्स क्या क्या है? तो इन द ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू वी अंडरस्टैंड दैट इफ सम न्यू एविडेंस, इफ न्यू मैटर ऑफ एविडेंस डिस्कवर इन अ पर्टिकुलर केस, देन दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर द जुडिशियल रिव्यू. इफ देयर इज अ एरर, एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड और मिस्टेक वी कैन ट्रेस ऑन द face of record, then that also can be a ground of a judicial review. Then ultra vires act, the act which is beyond the power, so parent act ne aapko authorize nahi kiya hai, lekin phir bhi beyond the parent act you are exceeding your powers, exceeding your limits, you are ultra vires to the constitution, your actions they are ultra vires to the constitution, then that also can be a ground for the judicial review. Excessive delegation, parent act is not authorizing but delegated authority, they are in an excessive manner exercising that particular power, then that also can be a ground for the judicial review. So these are the very prominent grounds from the various judgments you could understand in regards with the judicial review. Now so far in Indian context we understand that initially there was a non-intervention approach of the judiciary, and so judiciary they don't want to challenge the lawmaking power of the that particular parliament, and so in the very initial phase, जैसे A.K. Gopalan का जो case है, इसमें भी हमने देखा है कि judicial जो intervention है, judicial intervention minimum level तक हमें देखने को मिलता है, लेकिन बाद में जैसे मनेका गांधी versus Union of India, तो यहाँ से जो जुडिशियल पावर है वो एक वाइब्रंट मैनर में, एक डायनामिक मैनर में टू सेव द राइट्स ऑफ द पीपल, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, वो हमें देखने को मिलता है. एंड सो आफ्टर दिस डायनामिज्म नाउडेज वी अंडरस्टैंड कि देयर इज अ वन टूल विच रिकॉग्नाइज एंड दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. Now this public interest litigation again in a very effective manner they relax the formal procedure of judiciary, because in public interest litigation we are recognizing the rights of such vulnerable groups
which are not represented because of their disabilities. लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसी प्रोसीजर है कि जिसमें विदाउट गोइंग इनटू मच मोर फॉर्मेलिटीज, विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटी रिजिडिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, इफ देर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वी आर रिकॉग्नाइजिंग दैट राइट इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एंड सो फार in regards with public interest litigation. Now this public interest litigation is also known as a social action litigation. And so ये भी एक another dynamics है जिसमें हम judicial power को और effectively, prominently in the system of ours enforce होते हुए देख सकते हैं. तो ये कुछ points हैं जो आप in the concept of judicial review understand कर सकते हैं, और इससे जुडिशियल रिव्यू इसका जो नेचर है, इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो विद दिस आई एम स्टॉपिंग हियर विद दिस वीडियो. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.